समापन सत्र को शुरू करने से पहले मैं एक मंत्र के द्वारा, जिसमें वैदिक ऋषि सूर्य से प्रार्थना करते हैं अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मैं उस मंत्र को बोलना चाहूँगा। हरिः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सतात। अलग अलग पैथियों पर 3 दिन तक चर्चा हुई। इन 3 दिनों में जो भी पैथी मंथन जो हुआ है, उन मंथन से जो नवनीत निकला है, उस नवनीत को एक कंक्लूड कर आप सब में समान रूप से वितरित करने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक, हमारे सूत्रधार, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और 3 दिनों तक जो चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं में जो कुछ बातें निकली हैं पैथीज, अलग अलग पैथीज पे जो कुछ यहाँ पे बातें हुई, उसको हम कैसे इंटीग्रेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर अपने बातों से कंक्लूड करें डॉक्टर अखिलेश सिंह। धन्यवाद सर। सभागार में मौजूद हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, विभिन्न हीलिंग पद्धतियों के मूर्धन्य विद्वान, हमारे अतिथिगण तथा साथियों, आज कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं आप सभी से इस 3 दिवसीय कार्यशाला के संक्षिप्त विवरण तथा मेरे मन में उद्भुत कुछ विचारों को, कुछ प्रश्नों को आप जैसे तज्ञों के सम्मुख समाधानार्थ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यहां उपस्थित हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अक्टूबर 2015 में सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग की स्थापना का दायित्व हमारे अपने इस विश्वविद्यालय को सौंपा, तब यह विषय मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नवीन था। नवीन ही नहीं बल्कि ईमानदारी से कहें तो बहुत कुछ अटपटा भी था। वह समय था जब मैं आयुर्वेद के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों को समझने, इसके विभिन्न आयामों को धारण करने तथा इन दोनों को एक्सप्लोर कर CSIR जैसी अत्याधुनिक प्रयोगशाला में प्रमाणित करने तथा ऑपरेशनल स्तर पर तमाम कृच्छ साध्य बीमारियों को ठीक करने का दंभ रखता था। दंभ यूं ही नहीं था, यह दंभ अपने विषय के हर एक सिद्धांतों की सूक्ष्मतम स्तर पर समझ रखने की दक्षता के कारण भी था। मुझे दुनिया की संपूर्ण बीमारी को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करने तथा उसका संपूर्ण समाधान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की विषय वस्तु है, ऐसी मेरी मानसिक मृगमारीचिका थी। यह मेरा स्वयं पर अति विश्वास नहीं था बल्कि मैं विषय की निष्ठा से इतना लबरेज था कि उसकी सीमितताओं को मानना तो दूर, उस पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझता था। कमोबेश मेन स्ट्रीम हीलिंग से जुड़े हुए हर एक हीलर की, हर एक चिकित्सक की न्यून या अधिक यही धारणा रहती है। आज वह दिन है जब मैं क्वांटम एनर्जी हीलिंग, ऑरा चक्रा हीलिंग, कलर एरोमा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, मंत्रा थेरेपी और बहुत सारी जो हीलिंग की विधाएं पिछले 3 दिनों में चर्चा में आई, ऐसे विद्वानों को सुनने और समझने के बाद अपने मन के तमाम अनुत्तरित प्रश्नों के उलझनों की गांठ को कुछ कुछ सुलझता हुआ सा महसूस कर रहा हूं। आयुर्वेद के शरीर स्थान में सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन, प्रमा प्रमेय प्रमाता का वर्णन, चिकित्सा में मंत्रों का प्रयोग, इंद्रिय स्थानों में
अरिष्टों का वर्णन, सिद्धि स्थान में सिद्धियों का वर्णन, चिकित्सा में दोष दुष्य, बल काल और वय का वर्णन। इन तीन दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न हीलिंग मॉड्यूल्स में सुनकर तथा स्वयं की विधा को आपकी विधा में तथा आपकी विधा को स्वयं की विधा में समेकित समाविष्ट पाकर एक सुखद अनुभूति पा रहा हूं। सचमुच यही तो समन्वित चिकित्सा की तरफ बढ़ने का प्रशस्त मार्ग है। जहां पिछली कार्यशाला में अपनी अपनी विधा की जेनेसिस ऑफ डिजीज, फिलॉसफी ऑफ ट्रीटमेंट, फिलॉसफी ऑफ टूल ऑफ हीलिंग विलग विलग थी तथा एक दूसरे में इंटरलिंकेज खड़ा करने के बिंदु सौंपने को कोई भी तैयार न था, वहीं इस कार्यशाला में प्रत्येक हीलिंग विधा के तज्ञ अपने पहले प्रस्फुटित वाक्य से ही एक दूसरे को अपने में विलीन करने या दूसरी विधा में स्वयं को अपनी ताकत के साथ समाविष्ट करने हेतु तत्पर दिखे। यह तत्परता हीलिंग के उन विद्वानों के व्यक्तिगत स्तर पर विलीन हो जाने या समाविष्ट हो जाने की नहीं थी, बल्कि उन विधाओं को अपने अपने मजबूत पक्षों को आपस में समेकित करने की सहज तत्परता ही तो थी। संगीत चिकित्सा के विद्वान आज सुबह इसी मंच से कह रहे थे कि संगीत शरीर आत्मा और मन को एब्सोल्यूट वननेस की स्थिति में लेके जाता है। चर्चा में उन्होंने यह भी बताया, एक परिभाषा बताई संगीत की, मेलोडी एम्बोडेड विद वर्ड्स हार्मोनी एंड रिदम दैट इमिनेट्स द जॉय, दिस इज द म्यूजिक। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक अबोध बच्चे की किलकारी, उसके भूख की रुदन, इसमें कौन सा शब्द है, कौन सी हारमोनी है, कौन सा रिदम है जो चंद क्षणों में अनायास ही शरीर आत्मा और मन को एब्सोल्यूट वननेस की स्थिति में ले जाता है। क्या एब्सोल्यूट वननेस के लिए वर्ड्स हारमोनी तथा रिदम तीनों का होना आवश्यक है, या इसका दर्शन कुछ और है, इसमें कुछ और ही सूत्र पिरोए हुए हैं? इसका उत्तर तो आप जैसे विद्वान ही दे सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की विद्वान यहां से यह कह रही थी कि हीलिंग का एक यह पावरफुल टूल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कार्य करता है। आपने कहा कि प्रभावी विजुअलाइजेशन विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल, किनेस्थेटिक एंड ऑल्फैक्टरी, ये पांच सेंसेस के इस्तेमाल से किया जा सकता है। लेकिन इन पांच सेंसेस को नियमित करने वाला कौन है, इसको सिंक्रोनाइज करने वाला कौन है? थोड़ा रुकना तो पड़ेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। क्या यह मन है, क्या यह आत्मा है, क्या यह सत्व है या यह चित्त है? इन प्रश्नों के समाधानों को खोजना पड़ेगा। लामा फेरा के विद्वान ने कहा कि यह विधा प्रेशर ऑफ थॉट्स को हटाकर वाइटल एनर्जी को बढ़ाती है। क्या यह वाइटल एनर्जी ओज है? यदि ओज है तो यह अर्धांजलि ओज है या अष्ट बिंदु ओज है? इस प्रश्न का भी समाधान हमें आपको बैठ के खोजना पड़ेगा। एरोमा, कलर, क्रिस्टल जैसे हीलिंग टूल्स शरीर के किस तल पर कार्य करते हैं, इसकी गहराई एवं गंभीरता के साथ विवेचना करनी होगी। क्या आपने अपने आप को पास्ट लाइफ में रिग्रेस कर लेने मात्र से, इनर चाइल्ड वर्क के माध्यम से जीवन के ज्वाय को रेस्टोर कर लेने मात्र से मानव मात्र की समस्त वेदनाओं का समाधान हो जाएगा? इस प्रश्न पर ठहरना तो पड़ेगा। यह भी विचारणीय है कि क्या यही हीलिंग का चरम है, या हीलिंग के बियॉन्ड भी कोई हीलिंग होती है? क्या कोई ऐसा भी समुद्र है जहां समस्त हीलिंग की नदियां जाकर मिलती हूं? विपश्यना के विद्वान ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का अभाव परम शांति का जनक नहीं है, बल्कि उसे कोप करने की एबिलिटी परम शांति का जनक है। साउंड हीलिंग के विद्वान वाइब्रेशन पैदा कर उसे कोशिकाओं तक पहुंचाकर हीलिंग करने की कला बता रहे थे। यदि वाइब्रेशन या यूं कहें फ्रीक्वेंसी हीलिंग का एक टूल है, तो क्या क्वांटम एनर्जी, कलर, क्रिस्टल इससे इतर है? शायद नहीं, तो फिर विलग विलग क्यों? इन प्रश्नों का समाधान इस विद्वत सभा के सहारे छोड़ता हूं। इन्हीं प्रश्नों का समाधान शायद समन्वित चिकित्सा केंद्र की स्थापना का नींव बनेगा। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का समन्वित चिकित्सा केंद्र अपने उद्देश्यों, अपने संकल्पों
के प्रति बेहद स्पष्ट तथा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। हम बेहद सावधानी से, सधे हुए कदमों से आप सभी विद्वानों के मार्गदर्शन में थ्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशन की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं थ्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशन के आधार पर इंटीग्रेटेड हीलिंग का ताना बाना बुनकर एक नया सृजन करने के थोड़ा करीब अपने आप को पाते भी हैं। इंटीग्रेटेड हीलिंग की स्थापना की संपूर्ण जर्नी में हर कदम पर आपके बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन हमारे मंजिल पाने में स्फूर्त कारण बनेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अंत में एक श्लोक के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवन कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। आई डोंट एस्पायर फॉर किंगडम नॉर हेवन नॉर इवन एस्केप फ्रॉम रीबर्थ। आई ओनली विश रिड्रेसल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश, आपने 3 दिन के पूरे कार्यक्रम के एक रूप और चित्र के रूप में, जो है कहा जाए कि पूरी एक पिक्चर के रूप में, जो है एक स्पष्ट मतलब दर्शन करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं इस इंटीग्रेटेड हीलिंग के भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या हमारा मार्ग है, इस मार्ग को बताने के लिए मैं अपने कुल सचिव श्री राजेश गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा। उनको आमंत्रण से पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक पढ़ना चाहता हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना हो, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो उन गुणों को पहचाने और उनको जोड़े। तो योजकस्तत्र दुर्लभः, ऐसे हमारे कुल सचिव को मैं आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है कि माहौल काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। इससे पहले कि हम डिस्पर्स हो, थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस चालू हुई है। हमारे में से कुछ लोग चले भी गए हैं यहाँ से। क्या दो चार चीज़ें हमें करनी है उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा। थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया हूँ उसके एक दो इश्यूज को मैं टच करूँगा। वी वर टॉकिंग अबाउट द थ्रेड्स ऑफ इंटीग्रेशन। आई वुड लाइक कि वी शुड ऑल्सो ऑब्जर्व व्हाट आर द थ्रेड्स टू इंटीग्रेशन। ये हमको कहीं पर देखना तो पड़ेगा। अभी हम लोग, मुझे याद है कुछ कुछ चीज़ें मुझे कभी कभी याद रह जाती हैं, तो हम लोग अनाहत चक्र की बात कर रहे थे, पता नहीं जहाँ पे आहत भी होता है कि नहीं होता है। मैं पुलिस वाला हूँ, जब चक्र देखते हैं तो मुझे हमेशा याद आती है कभी कभी ऊपर से 6 इंच छोटा कर देते हैं, अगर कर दिया तो ऊपर के 3 चक्र चले गए, और नीचे से कर दिया तो नीचे के 3 चले गए, सारा 6-6 इंच का मामला है। तो वही एक चक्र बचता है बीच वाला, जो हार्ड चक्र बचता है, शायद उस तक हम भी पहुँच नहीं पाते हैं। क्या वहीं से कुछ हो सकता है, इस बारे में सोचना तो पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। हम लोग कुछ जर्नी, अर्थ जर्नी की बात कर रहे थे, मिशन अर्थ की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द वीज़ा जिससे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या ये वेरी मच एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो नहीं है विच इज़ फॉर स्पिरिचुअल असाइनमेंट? वी आर वेरी मच ऑन स्पिरिचुअल असाइनमेंट, दैट इज व्हाट आई थिंक दैट वीज़ा इज लाइक बेसिकली। यहाँ पे हम लोगों ने खुद से खुदा की बात करी, खुद से खुदा तक जाने की बात में कहीं हीलिंग तो नहीं है। जब हम खुदा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको खोदना पड़ेगा, और जहां पे खोदेंगे वहां पे कुछ खाद भी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दे पाए तो सिर्फ खेद ही रह जाएगा। किसी ने बताया कि ये होरा से औरा की यात्रा है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर रहे थे, हमने ये भी देखा कि ये भोजन से भजन की यात्रा भी है। जो कुछ खिला रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, भोजन से भजन की भी यात्रा हमने इसको कहीं ना कहीं देखी। हमने ये बात भी देखी कि लोग कह रहे थे कि लेट गो हो जाए,
लेट गो अगर मैं गो नहीं होता है तो बहुत लेट हो जाता है, और जब लेट हो जाता है तो हमको फिर बहुत सारे पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस करने पड़ते हैं, ड्रीम की थेरेपी करनी पड़ती है, इनर चाइल्ड को भी कहीं संभालना पड़ता है। इस बात को हम कहीं ना कहीं देख रहे थे। हम लोग तीन चार कोर इश्यूज़ पे हम बात करेंगे कि आई एक्सपेक्ट कि हम इसके बाद एक कोर ग्रुप बनाने का काम करेंगे, मतलब उसमें नंबर्स का कोई लिमिटेशन तो नहीं है। आप में से जो भी इसके अंदर वॉलंटियर करते हैं कि इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस के अंदर अब एक सीरियस जर्नी के अंदर हम लोग जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने सभी पैंतीस को समझने की कोशिश करी, सबकी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करी, सबकी स्कोप को समझने की कोशिश करी। हम लोग इसके अंदर जाएंगे, विल मेक ए कोर ग्रुप। जो भी आप में से वॉलंटियर करते हैं, हम चाहेंगे कि अखिलेश जी को आप मेल में अपना विलिंगनेस भेज सकते हैं, दैट इज नंबर वन। लेकिन उससे पहले मैं ये भी चाहूँगा कि हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करें और बहुत सिंसियरली अपने लिमिटेशंस को ढूंढें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जुड़ाव हमेशा उस जगह से होता है जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ते हैं। इस बात को हमको सीरियसली एग्जामिन करना पड़ेगा और इस लिमिटेशंस को भी हमें बताना पड़ेगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, दोज हू हैव पार्टिसिपेटेड, दोज स्पोकन, नॉट स्पोकन, बहुत सारे हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी हैं, पीजी के स्टूडेंट्स भी हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि उस लिमिटेशन को ढूंढें और ढूंढ के हमको उसको भी मेल करें, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि राइट फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम गॉड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे डिपार्ट हुए हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भाव से भव की यात्रा कैसी है, नहीं तो हम भव सागर पार नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ, मैं सुबह बात ही कर रहा था, ये कहीं ना कहीं निर्माण से निर्वाण की यात्रा है। निर्माण में मैं है उसमें मैं हूँ, निर्माण में वह है उसमें वो है। मुझसे कोई बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम करते क्या हैं, तो बोले साहब ये हीलिंग या बिल्कुल पीलिंग जैसा होता है क्या? मैंने बोला सर लगता तो है, एक एक करके अपनी नेगेटिविटी के, इमोशन के ब्लॉकेज के छिलके उतारते जाओ, जो बच जाता है बस उसे को तो हीलिंग कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी हीलर्स बैठे हुए हैं, अभी हम लोग इनफॉर्मली चर्चा कर रहे थे, तो उसने बोला साहब आपको समझ में क्या आया ये एनर्जी हीलिंग में होता क्या है? तो मैंने बोला ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ये भी एक इन्वेसिव टेक्निक, इसके अंदर भी सर्जरी होती है। होलोग्राम में तो हमने देखा कि हाउ वी कैन चेंज द पार्ट्स इवन एनर्जी के लेवल पे, कुछ नहीं करते हैं इसके अंदर, शब्दों का, सजेशंस का, हिप्नोसिस का, हम एनेस्थीशिया देते हैं, लव की पिल्स खिलाते हैं और एनर्जी का इंजेक्शन लगा देते हैं, स्कार भी नहीं पड़ता। तो जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी विधाएं हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रकार के हमारा इंटीग्रेशन इसमें पॉसिबल होगा, ऐसा मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। Can we make it happen? That is a big challenge. It's a long journey to go. It is just a very humble beginning. कहीं से कैसा आइडिया आ गया कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, तो अखिलेश जी ने उसका जो बीड़ा है उठा लिया। और एक शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि जब आयुर्वेद पे हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा बताओ तो सही कि वात पित्त कफ का ओरिजिन क्या है, हम तो इससे बीमारी का ओरिजिन पूछ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? तो बहुत सारे ग्रंथों को जब खंगालते हैं तो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो मुझे लगता है हमको बिल्कुल राइट फ्रॉम द जेनेसिस, अल्टीमेट जेनेसिस से हमको कहीं पर जाना पड़ेगा, और उस जेनेसिस से हम देखेंगे तो शायद हमें ऑल काइंड ऑफ जेनेसिस ऑफ डिजीज मिलेगी, डिजीज़ की ग्रोथ मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रोग्नोसिस से डायग्नोसिस के बीच में कहीं पर हिप्नोसिस है, कहीं पर साइकोसिस है, कहीं पर न्यूरोसिस है, इस बात को हमें कहीं ना कहीं पकड़ना तो पड़ेगा। कहीं हमको सोल के मोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोल समझते हैं तो ही मील का पत्थर बनता है, नहीं तो मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, मैंने वेज इन अर्ली स्कूल कि इट इज़ माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप एंड वी वुड नॉट लाइक टू स्लीप। आप लोगों ने हम सबको यहाँ पे बहुत कुछ दिया है, और हीलिंग में हम लोगों ने इस बात को भी कहीं देखा है कि ये हीलिंग जो है, जब तक हीलर और हील्ड, मैं पेशेंट तो नहीं कहना चाहूँगा हालांकि वो काफ़ी पेशेंस रखता है, जब तक इन दोनों का एक युति नहीं बन जाती, युति वर्ड जो मैंने सीखा है यहाँ ऋषि में आने के बाद, क्योंकि युति नहीं बन जाती है तब तक वो पॉसिबल नहीं होता है। शायद तभी मैंने कल कहा था
कि जो हल जानता है शायद वही हील कर सकता है, ये पॉसिबल है सिर्फ को हीलिंग से, और को हीलिंग इज ए म्यूचुअल गेम, वो एक लूप में काम करता है, तभी हम शायद इस चीज़ को कर पाएंगे। मैं आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी बातें बताई हैं कि मेरे को तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे तारे हैं जो जगमगा रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे राधा ने चुनरी ओढ़ी श्याम की, ऐसे कुछ गाना है ना, हाँ ऐसे कुछ है, क्योंकि मुझे गाना ही मुझे याद नहीं आता है, तो ऐसे हमने आपकी चीज़ अपने ऊपर पूरी ओढ़ ली है, और उसको हम धीरे धीरे एक एक तारे को चुनेंगे और तारों को जोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि शायद हम जो उस गैलेक्सी के अंदर एक पॉइंट को देख रहे थे, शायद हम पूरे ब्रह्मांड को ही, अपना पूरे कॉस्मोस को ही हम जोड़ के ऐसी कोई चीज़ को खड़ा कर पाएंगे कि मे बी इन द ईयर्स टू कम विल हैव अल्टीमेट थिंग विच कैन बी पेनेसिया टू नॉट ओनली इल्स बट इट कैन बी द अल्टीमेट हीलर फॉर परहैप्स एवरीथिंग। थैंक्स अ लॉट। संस्कृत में एक सूक्ति है, मधुरेण समापयत, और सर की बातों के बाद जो है मतलब सब कुछ मीठा मीठा ही लग रहा है। तो अब एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर नवीन मेहता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और धन्यवाद की एक औपचारिकता जो है उसको पूरा करें। डॉक्टर नवीन मेहता सर, सभी संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं तो मैंने भी साहस करने का प्रयास किया है। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायत सर्व विघ्नोपशांति। इट मीन्स दैट आई वुड लाइक टू मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड गणेश हु इज इन वाइट धोती, हु इज ऑल परवेडिंग, हु इज ब्राइट एज मून, हैज अ स्माइलिंग फेस एंड हैविंग फोर हैंड्स एंड हु इज रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स ऑफ आवर लाइफ। आई होप that this journey of integration will continue today and forever. मैं कुछ दिन पूर्व एक हिंदी पत्रिका पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा था मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो शायद मन से मानो और मानो के मर्म का हर मर्ज जो उपचारित किया जा सके उसी का नाम इंटीग्रेशन है, उसी का नाम हीलिंग है। जब हम मानव के मन से, तन से और संपूर्ण जीवन से यदि व्याधियाँ उपचारित कर सकते हैं तो शायद हमने जिस दिशा में हमारे कदम हमने रखे हैं और जो कार्यशाला की हमने संकल्पना की थी, हमें पूर्ण विश्वास है शायद वो सार्थक और सफल सिद्ध होगी। कहा तो बहुत कुछ जा सकता है पर जब विदाई का क्षण हो तो कहने के लिए बहुत कुछ बाकी नहीं रह पाता है, और अपनों से अपनों की क्या विदाई दूं, अपनों से अपनों का क्या आभार व्यक्त करूं, फिर भी मंच से जो दायित्व तो सौंपा गया है सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के एक साथी होने के नाते और आप लोगों के साथ में हम सफर होने के नाते यह दायित्व तो को मैं स्वीकार करते हुए आई लाइक टू बिगिन माई वोट ऑफ थिंग्स दैट It's a really matter of great honor and privilege for us to have on the very first day of the inaugural ceremony on the dais we had Professor R.S. Sharma, who is Vice Chancellor of Medical University Jabalpur, who graced the occasion and delivered a wonderful talk how to keep healthy and fit in terms of heart diseases. And we would like to even express our sincere thanks to the renowned Vipassana practitioner and research scholar in true word of letter and spirit, Professor Pant, former Vice Chancellor of now Nalanda Vihar, who came down from all the way to bless us with his wonderful talk. And really, I am short of words that people like you, eminent scholars, those who are dealing in different traditions of healing and therapy, and you have come from far-flung areas of India to make this program a grand success.
Even we would like to acknowledge our sincere thanks to my dear colleagues, supporting staff members, not only from Barla, as well as from Bhopal office, who made this program a grand success. Really, on a very short notice, because few days ago we were engaged in some or other conference, it's part and parcel of Sanchi's parivar culture that we have to develop such thought process, such insights that can be helpful for the betterment of mankind. On a very short notice, our people, our team members, they did really a wonderful, marvelous job. Even we would like to express our sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, who really supported us in all our academic endeavors, where your feelings are attached so closely, words cease to mean. And you can understand about whom I'm going to speak. A person who is really a source of energy, a pind who is very, very vibrant, and he's always there to help us, guide us, mentor us. He's none other than our Honorable Registrar Sir Rajesh Gupta Ji. I hope that you will express your also feelings with a huge round of applause. And I hope his continuous support will be there for us in future too. And I'm really, really full of emotions today. I'm really charged up. I would like to express my sincere thanks to media persons who directly or indirectly, time to time, help us in informing people and like to express our message among the masses, whatever we are doing in the campus, so that it can reach beyond the campus. Last but not the least, we would like to express our gratitude to Ma'am Gupta, who remained here with us throughout the sessions. And see, she's not only a good speaker, but she's an active listener also. Really, it's admirable. We would like to express our gratitude to our dean, to our academic coordinator, and to each and everyone. And especially, my thanks goes to the person who I think did a remarkable job, Dr. Akhilesh Singh, who led from the front and really made this workshop, not workshop, as he was very much concerned in the initial stage of the conference, of the workshop. And really, all of you have done a great, remarkable job for us, so that we can move forward. And there definitely may not be any obstacles for our future endeavors. Thank you, one and all. Thanks again.